वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम साथ से आठ। मैं हूं आपकी मेजबान किरण नाज। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, आसमानी नहीं रंग और मिजाज तो सियासतदान भी बदल रहे हैं। वफाहमत के लिए मशहूर आसिफ अली जरदारी साहब ने आजकल जारहाना रवैया अपनाया हुआ है। वजीर आजम इमरान खान और नवाज शरीफ दोनों ही हदफ पर हैं। हालात को और मुकदमात को देखें तो खतरा साबिक सदर के सर पर मंडला रहा है, लेकिन आसिफ अली जरदारी को 18वीं तरमीम खतरे में दिखाई दे रही है। साजिश की बातें कर रहे हैं, नवाज शरीफ पर भी तीर चला रहे हैं। कहते हैं कि मियां साहब ने एहतसाब अदालतें उनके लिए बनवाई और जाल में खुद फंस गए, यानी जैसी करनी वैसी भरनी की कहावत सुना दी। साथ साथ वजीर आजम इमरान खान को भी पैगाम दिया कि अगर इमरान खान हमें जेल भेजेंगे तो आने वाले भी उन्हें जेल भेजेंगे। नवाज शरीफ की खामोशी और आसिफ अली जरदारी की ये गर्मजोशी, इसकी वजह क्या है? दोनों जमातें आखिर सोच के आ रही हैं, तफसीली बात करूंगी इस पर। इसके अलावा अमेरिका के मिजाज ठिकाने पर आ गए हैं। खताएं करने वाले डोनाल्ड ट्रंप अब खत लिख रहे हैं। पाकिस्तान को लिखे खत में क्या है, इस इशू पर भी बात होगी, लेकिन पहले आपको हेडलाइंस की जानिब लिए चलते हैं। कराची में मिलिट्री लैंड पर शादी हॉल्स खत्म किए जाएं, सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के इजलास में बड़ा फैसला। जस्टिस गुलजार ने रिमार्क्स दिए, अस्पतालों के लिए मुख्तस जमीनों पर शादी हॉल्स बनाए गए। इजलास में डीएचए के तमाम फेजेस में जदीद लाइब्रेरीज बनाने की हिदायत। हमें तो जेल जाने का सबर भी है और बर्दाश्त भी है। क्या इमरान खान जेल जा सकता है? वो कितने दिन बर्दाश्त कर सकता है? शिकों पे क्या बहाना बना के इनका असल मकसद जो है वो 73 कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट करना है। हुकूमत शिकों का बहाना बनाकर 18वीं तरमीम रूल बैक करना चाहती है, ऐसा नहीं होने देंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का दबंग अंदाज, बोले मुल्की हालात गंभीर हैं, गैर संजीदा वजीर आजम से मुल्क नहीं संभाला जा रहा, मौजूदा हुकूमत को वही सपोर्ट करेंगे जो लाए हैं, हम क्यों करें? इमरान खान जेलों में डालने का कहते हैं, हम तो तैयार हैं, क्या इनमें जेल जाने की सकत है? बोले मियां साहब का एहतसाब का कानून खुद उनके गले पड़ गया। जैसी करनी वैसी भरनी, मियां साहब ने एहतसाब कोर्ट्स बनाए थे, एहतसाब लॉज बनाए थे, आज वो खुद वो एहतसाब लॉज में और एहतसाब कोर्ट्स में खड़े हुए हैं। बनाए तो मेरे लिए थे, गले पड़ गए उनके। 18वीं तरमीम ही पाकिस्तान की सालमियत की जामिन नहीं, अगर जरदारी ने अपना नाम 18वीं तरमीम रख लिया है तो कुछ नहीं कह सकते। वजीर तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का जवाबी वार, बोले उन्होंने 5 साल लूट मार करके खजाने का बेड़ा गर्क किया, ये लोग करप्शन और बददियानती के दलदादा लोग हैं, जो शरीफ नहीं होता उसमें जेल जाने का दिल गुर्दा होता है, हम में नहीं है। हर किस्म की क्रिमिनल एक्टिविटीज करने वाले के पास जिगरा भी होता है, हौसला भी होता है, हिम्मत भी होती है जेल जाने की। आपकी तरह का, मेरी तरह का, इमरान खान साहब की तरह के शरीफ आदमी का तो कोई जिगरा नहीं होता ना। उनके अंदर हिम्मत है जेल जाने की, हमारे अंदर हिम्मत नहीं है क्योंकि हम शरीफ लोग हैं। अफगानिस्तान में कयाम अमन और मफाहमती अमन के लिए पाकिस्तान मुखलिसाना तआवुन करेगा। अमरीकी नुमाइंदे खसूसी जलमे खलीलजाद की वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से अहम मुलाकात, तआवुन के तरीक़ाकार पर गौर। शाह महमूद कुरैशी का कहना था, अफगानिस्तान में कयाम अमन पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में। फर्द जुर्म में लगाए गए इल्जाम इस्तखासा साबित नहीं कर सका, जो जायदाद नवाज शरीफ की है ही नहीं वो उसकी वजाहत क्यों देते? अलजीजिया रेफरेंस में वकील ख्वाजा हारिस के हतमी दलाइल, अप्रैल और जुलाई 2017 का हवाला देने पर जज ने रिमार्क दिए, आपसे कह देता हूँ तो इधर उधर की बात ना कर, ये बता काफिला क्यों लुटा? ख्वाजा हारिस बोले, ये इधर उधर की बात उसी फैसले में तो शामिल है। बड़ी कीमती जमीन, मेरा ख्याल है निचले लेवल पर गड़बड़ हुई, क्या महकमे औकाफ के साथ फ्रॉड हुआ? पाकवतन औकाफ इराजी केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, साबिक वजीर आजम बोले जेआईटी के अलावा कुछ और बना दें, मेरा जेआईटी का तजर्बा अच्छा नहीं रहा, इंसाफ मिलने की उम्मीद है। सहाफियों के सवाल पर नवाज शरीफ ने जवाब नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच मॉडल टाउन केस की समाअत कल करेगा। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, राना सनाउल्ला, चौधरी निसार और साद रफीक समेत 146 अफराद को नोटिस जारी। सरबरा पाकिस्तान अवामी तहरीक ताहिरुल कादरी भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे। एमक्यूएम ने करारदाद जमा करा दी नेशनल असेंबली में कि वजीर आजम इमरान खान साहब की जगह
किसी और को शेख रशीद साहब को वजीर आजम बना दिया जाए और अपने वोट जो है वो उस तरफ डाल दिए तो वजीर आजम पीटीआई का रहेगा नहीं। मुझे तब्दील करने का मुतालबा करते हैं, हमने तो तब्दीली की बात कर दी तो वजीर आजम नहीं रहेंगे। मेयर कराची वसीम अख्तर का खुर्रम शेर जमान को करारा जवाब, नाबालिग सियासतदान करार दे दिया, बोले तहरीक इंसाफ को बैरूनी दुश्मनों की जरूरत नहीं है, कराची को बदशकल बनाने में सबका किरदार है, पहले सुप्रीम कोर्ट अहकाम पर अमल दरामद करवा ले, फिर जो जिम्मेदार होगा उसका नाम भी लेंगे। सात से आठ में आपको कहूंगी खुश आमदीद। मुख्तलिफ मुकदमात में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ जनाब मुसलसल अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। एहतसाब अदालत में नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीजिया रेफरेंस जेर समात है और अब 32 साल पुराने पाक वतन एराजी केस में नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट में पेश हो गए हैं। आज मियाँ साहब पर 1985 में महकमा औकाफ की जानब से दरबार को ज़मीन की अलाटमेंट का नोटिफिकेशन वापस लेने का इल्ज़ाम है। चीफ जस्टिस ने कहा पुलिस, FIA, NAB या JIT किससे तफ्तीश कराएं? नवाज शरीफ ने JIT की मुखालफत कर दी, फौरन बोले JIT का तजर्बा अच्छा नहीं रहा, कुछ और बना ले। मियाँ साहब की बात पर कमरा अदालत में कह के लगे और जोर कह के लगे। सानिया मॉडल टाउन पर भी JIT की तश्कील का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। अवामी तहरीक की दरख्वास्त पर लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच कल समाअत करेगा। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, साद रफीक, राना सनाउल्लाह, चौधरी निसार, ख्वाजा आसिफ, परवेज रशीद और अटॉर्नी जनरल समेत 146 अफराद को इस हवाले से नोटिस जारी किए गए। तो मौजूदा हालात में नवाज शरीफ को तल्ख तजर्बात का सामना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा महमूद रशीद कहते हैं कि नवाज शरीफ अपनी इनिंग खेल चुके हैं, दमाद से निकलते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। बात सुने इनकी। मियां नवाज शरीफ अपनी इनिंग्स खेल चुके हैं, उनका इन मुकदमात से जान छूटती हुई मुझे तो नज़र नहीं आती, ना उनकी और ना उनके ख़ानदान की और उनके बाल बच्चों की। बक्या सारा अरसा जितना देर भी है वो इन केसों से अपनी जान छुड़ाएंगे जो छूटती नज़र नहीं आती। तो PTI को या महमूद रशीद साहब को लगता है कि नवाज शरीफ यहाँ से निकलते हुए बचते हुए दिखाई नहीं दे रहे? चलिए, PTI का मौकफ तो अपनी जगह, लेकिन साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जो खुद इस वक्त मुकदमात का सामना कर रहे हैं और पिछले दिनों नवाज शरीफ की तरफ देख भी रहे थे, हालांकि उस वक्त भी कह रहे थे कि हालात के जिम्मेदार नवाज शरीफ साहब खुद है, लेकिन देख रहे थे, बहरहाल आज भी जब उन्होंने बात की है तो नवाज शरीफ को ही हालात का जिम्मेदार करार दिया। जरदारी साहब की भी बात आपको सुनवा दी। जैसी करनी वैसी भरनी। मियाँ साहब ने एहतसाब कोर्ट्स बनाए थे, एहतसाब लॉज बनाए थे, आज वो खुद वो एहतसाब लॉज में और एहतसाब कोर्ट्स में खड़े हुए हैं। बनाए तो मेरे लिए थे, गले पड़ गए उनके भी। तरमीम के हवाले से भी जरदारी साहब बात कर रहे हैं। वैसे आसिफ अली जरदारी को शिकवे अकेले नवाज शरीफ से नहीं है, इमरान खान साहब से भी वो खफा खफा से दिखाई देते हैं। अपने ऊपर भी और 18वीं तरमीम के ऊपर भी उन्हें खतरात के बादल मंडलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ला रहे हैं, इनसे काम चलना नहीं है, ये मुल्क संभाल नहीं सकते। हालात जो हैं इस वक्त बड़े गंभीर हैं। ये कहते हैं कि 18वीं तरमीम में कुछ शिके हैं, शिकों पे क्या बहाना बना के इनका असल मकसद जो है वो 73 कॉन्स्टिट्यूशन को अब्रिगेट करना है, तो हम उसको अपोज करेंगे, करते रहेंगे और अब भी कर रहे हैं। तो जरदारी साहब, किसी ने आपको इंदिया दे दिया है क्या ये तरमीम का? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या हुकूमत इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि वो सादा कानून साजी कर सके, तो आप 18वीं तरमीम की बात करें। बहरहाल मजीद कह रहे हैं कि इमरान खान हमें जेल भेजेंगे तो आने वाले भी उन्हें जेल भेजेंगे। जरदारी साहब की जानब से पैगाम दिया जा रहा है, बार बार कह रहे हैं कि गैर संजीदा वजीर आजम से मुल्क नहीं संभल रहा, मसला आखिर है क्या? साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की नज़र में नवाज शरीफ, हुकूमत, 18वीं तरमीम और बजात खुद वो भी खतरे में है, बल्कि मुस्तकबिल के हवाले से उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान को ख़बरदार किया है। इमरान खान साहब वाज़ह तौर पर कह चुके हैं कि मुकदमात हुकूमत के कायम करदा नहीं है, अगर उनका बस चलता तो 50 लोग जेल में होते। इमरान खान साहब की ये बात भी मैं आपको याद दिला देती हूँ। ये पूरी कोशिश कर रहे हैं सेबोटाज करने की, ये तासुर दे रहे हैं जी गवर्नमेंट ज़्यादा देर नहीं चलेगी और इसलिए चुप करके घोसलों पर लगे हुए हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो नैब भी है, मुझे अफसोस ये है कि नैब, आपने कहा नैब हमारे नीचे नहीं है, मेरे नीचे नैब होती आज कम से कम 50 बड़े बड़े करप्ट लोग जेलों के अंदर होते, उन्होंने जेलों में होना था। मैं मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि इसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं, ना हमारे कोई लोग इसमें भर्ती हुए हैं। ये
इमरान खान साहब का मौकफ था, जबकि जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब क्या सोच रहे हैं। नवाज शरीफ साहब बड़ी खामोशी के साथ चल रहे हैं, आगे बढ़े, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब इस वक्त जारहाना अंदाज में दिखाई दे रहे हैं। तो मुल्क में सियासी मैदान में आखिर ये चल क्या रहा है, नवाज शरीफ को और आसिफ अली जरदारी को खदशात उनके क्या हैं, तहफ़ुज़ात क्या हैं, हुकूमत की और अपोजिशन की हिकमत अमली आखिर क्या है। कमर जमान कायरा साहब प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं, वेलकम कहूँगी आपको। उज़्मा बुखारी साहिबा मुस्लिम लीग नून से साथ मौजूद हैं, आपको भी मैं वेलकम कहूँगी। और खालिद अजीम साहब तजिए के लिए मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले कमर जमान कायरा साहब, आपसे सर मैं बात का आगाज़ करूँगी। जरदारी साहब के रवैये में बड़ी तब्दीली दिखाई दे रही है सर, अपोजिशन के भी साथ हैं, हुकूमत के साथ तावुन की भी बातें कर रहे हैं, क्या खतरात हैं, क्या खदशात हैं आसिफ अली जरदारी साहब को कि एकदम उनका जारहाना मूड दिखाई दे रहा है? बात जारहाना की नहीं है जी, अपोजिशन का अपना एक रोल होता है। हम तो हमेशा से ये बात पहले दिन से कह रहे हैं, आज भी कह रहे हैं कि हम इस हुकूमत को गिराने के न पहले दिन मूड में थे न आज है। अगर हम ही ने इस हुकूमत को पैदा ना होने दिया होता तो हमारे बस में था। उस वक्त अपोजिशन की बाकी जमातें जो थी वो इस बात पे गौर व खौज कर रही थी, मशावरत कर रही थी कि इन असम्बलियों में जिन पे इलेक्शन धांधली का बड़ा इल्जाम है इनमें ना बैठा जाए, और अगर पीपल्स पार्टी उसमें शामिल होती तो ये अब तक असम्बलियां वजूद में ना आती। लेकिन हमने गवर्नमेंट बनने दी और हमने कहा कि जी बिल्कुल आप अपना एजेंडा पूरा कीजिए, आप अपने किए हुए वादे पूरे कीजिए, हम चाहते हैं कि ये हुकूमत चले। लेकिन इन्होंने खुद अपने लिए 100 दिन का एजेंडा तय किया और वो 100 दिन का एजेंडा खुद इनका फेल हुआ। हमारी तो कोई डिमांड नहीं थी, मीडिया ने डिमांड नहीं की थी, अपोजिशन की किसी जमात ने डिमांड नहीं की थी, खुद इनका अपना टारगेट थे, वो फेल हुए, अब ये फ्रस्ट्रेटेड है। दूसरी तरफ अब इनको हुकूमत में आके समझ आई है कि मामला हुकूमत इतनी आसान नहीं है चलाना, और हमारे जैसे मुल्कों में बेशुमार मसाइल होते हैं, बाहर बैठे हुए वो चीजें नजर नहीं आती। जब गवर्नमेंट के अंदर आए हैं तो फ्रस्ट्रेशन होनी शुरू हो गई है, कभी ब्यूरोक्रेसी को बुरा कह रहे हैं, कभी अदलिया को बुरा कह रहे हैं, कभी नैब को बुरा कह रहे हैं, और एक ही मंत्रा है कि जी हम जो बाहर से पैसे लाने थे वो 200 अरब डॉलर वाली कहानी उड़ गई, अब कभी 11 अरब डॉलर की बातें करते हैं, कभी 700 अरब की बातें करते हैं। कतअ कलामी की मैं आपसे माजरत चाहती हूँ, ये तमाम बातें तो हम सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, हुकूमत की जानिब से हुकूमत का जो मौकफ है वो तो हम देख रहे हैं, लेकिन मैं इस वक्त आपसे बात कर रही हूँ जरदारी साहब के मिजाज के हवाले से। उनका मिजाज बड़ा मुख्तलिफ हो गया है, वो जिस तरह के बयान दे रहे हैं, मैं उस पर आपसे बात कर रही हूँ। 18वीं तरमीम के हवाले से वो बात करें। जी जी कमर साहब कहिए। मैं भी करता रहूंगा, इसका मसला काल नहीं निकलेगा ना। अगर आपके पास वक्त ना हो तो फिर किसी वक्त बात कर ले। नहीं नहीं सर, आपके लिए वक्त है, आपको बात करने के लिए ही बुलाया है, आप प्लीज जवाब दीजिए। 18वीं तरमीम के हवाले से बात करें जरदारी साहब। रिस्पॉन्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ जी, अगर आप मुझे मौका दें, इंटरप्ट ना करें तो मैं आपका सवाल, और ये जरूरी नहीं है कि आप मुझसे मुत्तफिक हो, मैं अपना ख्याल गजार करूंगा। और वो ये है कि जरदारी साहब आज भी इनके खिलाफ नहीं है, इनकी अपनी हरकत। अगर आप एक बंदे को मुसलसल गालियां और उसको बुरा भला कहेंगे तो उसे किस बेहतरी की तवक्को कर रहे हैं आप? अगर आप बावजूद हमारे तमाम तावन के, हमने कब कहा हमारे केस खत्म करो, हमने कब कहा कि भाई हमें किसी एनआरओ की जरूरत है, हमने कब कहा कि तुम जो हमने तो वाजे तौर पर कहा कि हमारे खिलाफ केसेस पिछली हुकूमत ने खोले थे, हम केसेस की तो बात नहीं कर रहे, लेकिन इसके बावजूद अगर किसी की जबान रुकती ही नहीं है और वो तसलसल के साथ, वो और उनके साथी, आज जो पंजाब के वजीर इत्तलात ने गुफ्तगु फरमाई है और जिस तरह की वो हजियान गोई कर रहे हैं, क्या इस पे किसी से तवक्को करते हैं आप? और ये हुकूमत पूरे तौर पे खुद लड़ाई लड़ना चाहती है, ये सिस्टम को चलने नहीं देना चाहती, हम तो सिस्टम चलाना चाहते हैं। सर आपने कहा कि जिस तरह की बातें की जा रही हैं, हम तआवुन करना चाह रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि हुकूमत की जानिब से कोई भी बात की जाती है, पीपल्स पार्टी को ऐसा महसूस होता है कि हमारे लिए बात की जा रही है? सईद गनी साहब को देख लीजिए, इसके अलावा मुर्तजा वहाब साहब को देख लीजिए, आप भी आज यही बात करें, क्यों आपको ऐसा लगता है कि अगर हुकूमत कोई मौका इख्तियार किए हुए तो वो डायरेक्टली पीपल्स पार्टी को हिट कर रही है? मेरा ख्याल है हमें ये सोचना चाहिए कि वो फरिश्तों के बारे में कह रहे हैं या हिंदुस्तान के किसी शख्स के बारे में। अरे अच्छा। बाबा, वो गवर्नमेंट बैठी हुई हमारी तरफ मुंह करके, हमारे नाम ले लेके, अपोजिशन की बातें करके, वाजे तौर पे अगर हमें गालियां देंगे तो सलसल से देंगे, तो फिर भी आप कहते हैं कि हम क्यों कह रहे हैं कि हमारी बातें हो रही हैं। अच्छा कमर साहब, आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिएगा, कोई इंडिया मिल गया है कि आसिफ अली जरदारी साहब जो बातें कर रहे हैं कि 18वीं तरमीम को भी खतरा है, उन्हें भी खतरा है? 18वीं तरमीम को खतरा कैसे महसूस होगा? अगर आपके वज़रा, अगर आपका वज़ीर आज़म और खास तौर पर उनके मेन वज़रा अगर ये कह रहे हैं तरमीम और आइन और कानून जो हैं, जो हमारे दौर में बने या मुस्लिम लीग के दौर में बने, वो मिली भगत है
और वो उनके रास्ते की रुकावट है और इसको दुरुस्त होना चाहिए। और ये डिबेट बहुत सारे कॉर्नर में हो तो उसको क्या कहें, क्या हम खतरा महसूस ना करें? आप हमें क्या सजेस्ट करते हैं? लेकिन सर टू थर्ड मेजोरिटी भी नहीं है, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ तो इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि वो सादा कानून साजी कर सके। और आप 18वीं तरमीम के खतरात की बात करें, कमर जमान कह रहे साहब बेहद शुक्रिया सर आपके वक्त का। उस्मा के साथ मौजूद हैं। उस्मा साहिबा, नवाज शरीफ ने एहतसाब अदालत जरदारी साहब के लिए बनाई थी मोहतरमा, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ ने एहतसाब अदालत उनके लिए बनाई थी, लेकिन खुद नवाज शरीफ साहब के गले पड़ रही हैं। शुक्रिया किरण। नहीं, मेरा ख्याल है थोड़ी सी उनको गलत फहमी हुई है आसिफ अली जरदारी साहब को। इस वक्त जो कानून मुल्क में चल रहा है वो मुशर्रफ का बनाया हुआ कानून है और वो इस वक्त नया ऑर्डिनेंस जो है वो उस दौर का है और वो उन्होंने बनाया था। ये अगर वो पुरानी बातें कर रहे हैं मेरे खिलाफ एहतसाब हुआ तो एहतसाब तो फिर दोनों जमातों ने एक दूसरे के खिलाफ किया और एक दूसरे की हुकूमतें गिरती रही और इसीलिए इन तमाम बातों को मद्देनजर रख कर फिर मिजाक जमहूरियत हुआ था कि हम किसी के आलाकार नहीं बनेंगे और इस मुल्क में जमहूरियत जो है उसको आगे चलना चाहिए। अगर सैफ रहमान याद रहता है तो रहमान मलिक साहब भी याद रहने चाहिए, जाहिर है उनकी भी एक लंबी चौड़ी और आज भी जो झूठे सच्चे जो पेपर निकाले जाते हैं वो रहमान मलिक साहब के बनाए हुए हैं। मैं इस बहस में जाए बगैर मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो आप सवाल अभी कमर जमान कायना साहब से पूछ रही थी, देखिए गुजारिश ये है कि हम पर जब इल्जाम लगेगा तो हमारा ये कानूनी और आईनी हक है और इखलाकी भी ये वो जवाज है कि हम अपने बारे में बात होने वाली बातों का जवाब दें। अब ये अजीब बात है, अगर आज आपको मालूम हो कि आज क्या हुआ है कि जुल्फी बुखारी साहब का जो केस नेट प्रोसिक्यूटर कर रहा था उसने ECL में उनका नाम जो है निकालने की मुखालफत की थी और कल ही आपको पता है कि इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू भी दिया जिसमें उनको सारे पाकिस्तान के मसाइल छोड़कर जुल्फी बुखारी के ऊपर जो है वो जो रिमार्क दिए थे चीफ जस्टिस साहब ने उनके ऊपर उनको बहुत तकलीफ हुई और आज उस नैब प्रोसिक्यूटर ने इस्तीफा दे दिया है। अब ये अजीब बात है, NRO आप अपने लोगों को दे के बैठे हुए हैं, परवेज इलाही साहब जो है उनके एक लंबे चौड़े केसेस हैं, एक और नया केस उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, आपकी फहमीदा मिर्जा साहबा हो गई, आपकी जुबैदा जलाल हो गई, मतलब नेम इट के कौन नहीं है, प्रोविंशियल भी और फेडरल गवर्नमेंट के अंदर भी लोग बैठे हैं, आप दूसरों को NRO की बातें करते हैं। आप कह रही हैं कि हमारे खिलाफ जो बातें हो रही हैं तो ये हमारा इखलाकी और जवाजी हक भी है कि हम इस पर जवाब दें, रिस्पॉन्ड करें, लेकिन नवाज शरीफ साहब की हिकमत अमली जरा अब तमाम मुस्लिम लीग नून से ऐसा लगता है कि बिल्कुल अलग है, वो बड़ी खामोशी के साथ हैं, किसी इशू पर कोई बात नहीं कर रहे हैं, अगर उनसे सवाल पूछा जाता है वो इसका जवाब भी नहीं देते। मैं सवाल को लेकर आती हूँ आपके पास, लेकिन खालिद अजीम साहब से मैं पूछ लेती हूँ। सर क्या लग रहा है आपको, क्या चल रहा है, क्या हुकूमत की जानिब से इतना टफ टाइम दिया जा रहा है कि जरदारी साहब जारहाना पॉलिसी अपनाए हुए बयान दे रहे हैं, नवाज शरीफ साहब बिल्कुल खामोश दिखाई दे रहे हैं, कभी वो GIT के हवाले से कह रहे हैं कि जी उनका बड़ा बुरा तजर्बा है, चल क्या रहा है आखिर ये? खालिद साहब, GIT की बात तो आज उन्होंने की, लेकिन जो ये लगता ही है कि जब से वो जेल से बाहर आए हैं उसके बाद से उनका जो बयानिया है वो यकीनी बात है वो शिकवे तो ज़रूर करते हैं, लेकिन जितना जारहाना अंदाज उन्होंने पहले अपनाया हुआ था उन्हें खलाई मखलूक भी नज़र आती थी। और अगर हम देखें तो रिसेंटली उन्होंने जो 342 का बयान दिया है, अभी जो चलने वाले रेफरेंसेस हैं जिसमें हिल मेटल स्टील है, उस रेफरेंस में उनका जो 342 का बयान है वो उससे बहुत मुख्तलिफ जो उन्होंने एवनफील्ड रेफरेंस के दौरान दिया था और जिसमें उन्होंने पूरा बैकग्राउंड बताया था कि मुशर्रफ के खिलाफ मुकदमात करने की वजह से उनके साथ ये सलूक हो रहा है, अब इसका उन्होंने को तस्करा भी नहीं करते। तो ये एक प्रसरारियत तो बहरहाल है उनके बयानिए में, जो एक नरमी है ये कहा जा सकता है कि पहले वो जिन हलकों को टारगेट कर रहे थे अब उनका वो तस्करा कम करते थे, पता नहीं अब ये नसीहत है या वो समझते हैं कि इस अंदाज में वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में मुकदमा लड़ सकते हैं। अलबत्ता एक बात जो है वो मैं ज़रूर कहूँगा वो ये कि आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो ये बात मुसलसल कहते चले आ रहे हैं कि उनके खिलाफ मुकदमात जो हैं वो नवाज शरीफ के दौर में बने, नवाज शरीफ ने बनाए, लेकिन मैं उज़्मा बुखारी साहब की बात जो है उसमें इस बात का इजाफा करूँगा कि मिसाक़े जमहूरियत के बाद नवाज शरीफ साहब ने कोई एक मुकदमा भी आसिफ जरदारी या पीपल्स पार्टी के खिलाफ नहीं चलाया और इसी तरह से पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में वो तमाम मुकदमात जो कि नवाज शरीफ साहब पे बने हुए थे उनके हवाले से कोई सरगर्मी नहीं दिखाई। लेकिन आपने पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का हवाला दिया तो इनके दरमियान अचानक रबते बहाल होते हैं, उसके बाद एकदम से ऐसे बयान आ जाते हैं, क्या ऑपोजिशन अब तक तकसीम है? मैं चाहूंगी कि कमर जमान कायरा साहब इस बात का जवाब दें। सर
देखिए पहली गुजारिश तो ये है मोहतरमा के इसको महसूस न कीजिएगा, ये मुनासिब नहीं होता कि आप मुझसे कमेंट लें और उसके बाद अपना स्ट्रक्चर पास करें और किसी और पे चले जाएं, क्योंकि मुझे उसका जवाब देना चाहिए। आप मेरी जमात के ऊपर एक तनकीद करके किसी और तरफ स्किप कर जाए और वो जुमला निकल जाए और मैं उसका जवाब न दे पाऊँ तो ये मुनासिब नहीं होता प्रोग्राम के अंदर। तो ये काइंडली मेहरबानी कीजिए। और दूसरी गुजारिश ये है कि हम अपोजिशन की दो जमातें हैं, इनके मुखालिफ रहे हैं और आज भी मुखालिफ है। हमारा मुखालिफ एक दूसरे का इंटरेस्ट है, लेकिन हम डेमोक्रेसी में इकट्ठे हैं, हम पार्लिमानी जमहूरियत में इकट्ठे हैं, हम पाकिस्तान के अवाम की फलाह के लिए कोई इशू होगा तो उस पर इकट्ठे हैं। हम हुकूमत के किसी गैर जमहूरी हथकंडे और जो जिससे मुल्क को और जिस समाज को खतरा हो उस पर इकट्ठे होंगे। हम मुख्तलिफ भी होंगे और इकट्ठे भी होंगे, यही अपोजिशन का उजर होता है। हाँ, ये कहना कि हमारी आपस में कोई दुश्मनियां बन गई, मियाँ साहब के साथ हमारी कल बड़ी तलखी थी, उसके बाद 2008 में हमने इकट्ठे गवर्नमेंट भी बनाई, फिर हम इकट्ठे अपोजिशन में भी रहे 2002 में। ये तो आपके मामला चलते रहे, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, दुनिया की एस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेसी के अंदर भी वहां भी एक दूसरे के मुखालिफ लोग होते हैं, अपोजिशन की जमातें, फिर अगले किसी इलेक्शन में किसी वक्त उनको मिनिमम कॉमन एजेंडा के ऊपर अगर हालात ऐसे बन जाए तो उनको बाकायदा गवर्नमेंटों में इकट्ठा होना पड़ता है, अपोजिशन में भी इकट्ठा होना पड़ता है और गवर्नमेंट में बाद कोलिशन में आना पड़ता है। तो इसका मतलब ये तो नहीं होता कि आप किसी के ट्राइबल लेवल के दुश्मन हो गए, कि फलां से मुखालफत हो गई, दुश्मनी हो गई, अब उसे हाथ नहीं मिलाना। हाँ, इख्तलाफ अपनी जगह, उनका उनका मंशूर अपना है, हमारा अपना है, पीटीआई का अपना है, उस मंशूर के ऊपर आप जब भी कभी इत्तेफाक करेंगे तो जो कॉमन ग्राउंड होगी उन पर इत्तेफाक होगा। ठीक है कमर जमान कायरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। उस्मा बुखारी आप साथ मौका, बहुत शुक्रिया। खालिद अजीम साहब, आपने इस हवाले से वक्त दिया, देखना ये होगा कि मामला तय कैसे पाते हैं, क्योंकि जिस तरह से मुस्लिम लीग नून और आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर खतरात के बादल मंडला रहे हैं, उसमें इस तरह के क्लैशेस होना, एक दूसरे के लिए बयान देना क्या इनके लिए सही है या नहीं, ये फिर आने वाला वक्त ही हमें बताएगा। आगे बढ़ते हैं, कराची में दहशतगर्दी की नई लहर चल पड़ी है। शहर में कुछ दिनों के दौरान 3 वाकयात हो चुके हैं। 16 नवंबर को कराची के इलाके कायदाबाद में पुल के नीचे बॉम्ब धमाका हुआ था, जिसमें 2 अफराद जाबहक और 10 अफराद जख्मी हो गए थे। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने धमाके की जगह से टिफिन में मौजूद एक और बॉम्ब नाकारा बना दिया। दोनों बम टाइम डिवाइस से मुंसलिक थे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि धमाका शहर का अम तबाह करने की साजिश थी। इस वाकई के ठीक एक हफ्ते के बाद 23 नवंबर को अम दुश्मनों की जानिब से पाक चीन दोस्ती पर हमले की कोशिश की जाती है, जिसे अल्हम्दुलिल्लाह नाकाम बनाया गया। सिक्योरिटी एहलकारों ने 3 दहशतगर्दों को मार गिराया, 2 पुलिस एहलकार भी इसमें शहीद हुए। तमाम चीनी कौंसल जनरल समेत तमाम अमले को महफूज रखा गया और अब कराची में अम दुश्मनों ने एक और धमाका कर दिया। डिफेंस फेस 5 खाली प्लॉट में खड़ी गाड़ी में बॉम्ब धमाका हुआ। तबाहशुदा गाड़ी से 6 LPG सिलेंडर्स मिले। जमशेद क्वार्टर से चोरी की गई थी ये गाड़ी। DIG साउथ के मुताबिक गाड़ी में देसी साख्ता बॉम्ब नस्त था। तहकीकात के मुताबिक ये पता चला है कि दहशतगर्दों ने धमाका किसी और मकाम पर करना था। बारूदी मवाद गलती से खाली प्लॉट में फट गया। धमाके का मुकदमा CTD में दर्ज हो गया है। गाड़ी ओपन लेटर पर सनाउल्ला के नाम पर रजिस्टर्ड है। ये भी फिर एक और ओपन लेटर का मसला आ गया है सामने। तो इसी हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त अहमद रहमान खान प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। अहमद, सबसे पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। मुझे ये बताइएगा, पैदर पे एकदम कराची में ये वाकयात होना शुरू हुए हैं, क्या किया जा रहा है पुलिस की जानिब से, हसास इदारों की जानिब से, और क्या पता चल सका है अब तक, क्यों हो रहा है ऐसा? जी देखिए, इस वक्त शहर भर में छापों का सिलसिला जारी है, कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, लेकिन अब तक ये तायुन नहीं हो पा रहा है कि इन दहशतगर्दों की तादाद कितनी है। 3 वाकयात शहर में मुख्तलिफ औकात में रोनुमा होते हैं, पहला 16 नवंबर को, दूसरा 23 नवंबर को और फिर 3 दिसंबर को। 17 से 18 दिनों का डिफरेंस है जिसमें इन तीनों वाकयात जो है वो रोनुमा होते हैं। अभी तक ये ज़रूर पता चला है कि इसमें बैरूनी हाथ मुलविस होने के शवाहिद मिले हैं, यानी कि बाहर से कंट्रोल किया गया था उन दहशतगर्दों को, बाहर से फंडिंग की गई थी उन दहशतगर्दों की। ये एक अलग सी बात भी जो है वो सामने आई है कि चीनी कॉन्सुलेट पर जिस गाड़ी में सवार होकर दहशतगर्द आए थे उसके बारे में हसास इदारे और तफ्तीशकार हमें ये बताते हैं कि वो गाड़ी जो है वो खरीद कर दहशतगर्दों ने इस्तेमाल की थी। तो ये कराची में बड़ा मुनफरिद एक दहशतगर्दी का ऐसा वाकया है कि दहशतगर्दों के पास इतना फंड कैसे उनके पास आ रहा है, कहां से आया इन स्लीपर सेल्स के पास। मैं स्लीपर सेल्स का वर्ड इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं, किरण, हमने ही इसी प्रोग्राम में आपके कुछ दिनों पहले भी बात की थी कि स्लीपर सेल्स अभी एक्टिव नहीं है, लेकिन अगर उनको अहकामात मिलेंगे तो वो बिल्कुल एक्टिव हो जाएंगे। हाँ। और ये वाकयात उन्हीं की एक कड़ी है कि स्लीपर सेल्स को कराची में एक्टिव किया गया, जिनमें कलदम तंजीमों के स्लीपर सेल्स शामिल हैं
और उन्होंने जो है वो बड़ी महारत के साथ जो है वो फिर कोशिश की कि कोई कार्रवाई कर सकें कराची में, लेकिन खुशकिस्मती से वो ज़्यादा नुकसान जो है वो नहीं पहुँचा सकें। कायदाबाद धमाके की अगर हम बात करें तो पहला धमाका उन्होंने किया, दूसरा धमाका उससे ज़्यादा ख़तरनाक होता वहीं पर, लेकिन वो बम डिस्पोजल स्क्वाड जो वहां पर पहुंची उसको मिल गया और उन्होंने नाकारा बना दिया। तो ये भी एक सीरियल बम ब्लास्ट की कोशिश थी जो कि पहला धमाका था कायदाबाद में 16 नवंबर को, तो ये भी एक काफ़ी खौफनाक चीज़ थी। सेकंड चीज़ चीनी कौंसलेट पर हमला, तो बिल्कुल पाक चीन दोस्ती को एक तो तरफ मुतासर करना और फिर इतना एक प्रोग्राम के साथ रैकी के साथ जो है वो दहशतगर्द वहाँ पर पहुँचे, वो तो पुलिस की जानिब से और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से कोई रिस्पॉन्स दिखाया गया जिसमें तीनों दहशतगर्द जो है वो मार गिराए गए। साथ ही साथ अब जो ये तीसरा धमाका हुआ है 3 दिसंबर को, इसमें एक गाड़ी में ये धमाका हुआ है, इसको सबसे खौफनाक धमाका अभी इन 2-3 धमाकों में इसलिए कहा जा सकता है कि इसमें गाड़ी में से 5 से 6 सिलेंडर्स मिले हैं। और जो तफ्तीश कर रहे हैं वो ये बोलते हैं कि इन इस बारूद को, इस बम को इन्होंने उसी से जो है वो मुंसलिक करना था ताकि धमाके की आवाज़ बहुत ज़्यादा हो और जो है वो उसका नुकसान बहुत ज़्यादा हो, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो सके। साथ ही साथ ये मकाम नहीं था, जो तफ्तीशकार बताते हैं कि ये जो धमाका किया गया है वो इस मकाम पर नहीं करना चाहते थे, कोई और प्लानिंग थी, कोई और जगह मुख्तस थी जहाँ पर हमला करना था, लेकिन टाइम डिवाइस ख़राब हो जाने की वजह से या फिर कोई और चीज़ या सर्किट में कोई ख़राबी हो जाने की बाइस ये धमाका रात गए 3:30 बजे जो है वो 3 दिसंबर की रात 3:30 बजे हो जाता है, वरना दहशतगर्दों का मंसूबा कुछ और था। जी तो जो आपने बात बताई ये ज्यादा खौफनाक है, खुदा ना खास्ता अगर ये धमाका जो उनका मकसद था अगर उसमें कामयाब हो जाते तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। सेफ सिटी मंसूबे पर अमल क्यों नहीं हो रहा है अहमर, रुकावटें क्या हैं, अमली इकदामात क्यों नहीं हो रहे, मौसर इकदामात क्यों नहीं किए जा रहे? एक दफ़ा अमन शहर में कायम कर दिया, अब अगर दोबारा उनको बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है तो कहाँ है हिकमत अमली? जी देखिए, सेफ सिटी मंसूबा बिल्कुल शहर में जो स्ट्रीट क्राइम है ख़ास तौर पर उसमें तो बहुत अच्छा साबित होगा, बहुत ज़्यादा जराइम पेशा अनासिर को गिरफ्तार किया जा सकेगा, लेकिन अफसोस की बात यहाँ पर यह है कि जो कैमरे 2150 कैमरे इस वक्त भी सिंध पुलिस के लगे हुए हैं शहर में, तो उनसे हमने कितनी गिरफ्तारियां अमल में आई आज तक, हमने तो यही देखा है कि तकरीबन कोई 100 के करीब क्रिमिनल हैं जो रवा साल जो है वो गिरफ्तार हुए हैं सीसीटीवी फुटेजेस की मदद से, जबकि वारदातें जो हैं वो हज़ारों में हैं, तो कोई ज़्यादा फ़र्क इन सीसीटीवी कैमरों की मदद से नहीं पड़ा है वारदातों पर। अगर या तो 10,000 कैमरे जो कि सेफ सिटी मंसूबा है कि 10,000 कैमरे शहर में लगाए जाएंगे तो बिल्कुल उससे फ़र्क ज़रूर पड़ेगा, लेकिन उसको 1/5 मददगार से मुंसलिक किया जाए ताकि जब कोई वारदात होता हुआ देखे सीसीटीवी कैमरे में तो पुलिस को फौरन इत्तला दे। इस वक्त जो कमांड एंड कंट्रोल रूम पुलिस का बना हुआ है उसमें 1/5 को उससे मुंसलिक इस लिहाज से नहीं किया गया है कि वो फौरी मदद नहीं कर सकते, वो वहाँ पर पुलिस को फौरी तौर पर भेज नहीं सकते। यही वजह है कि अगर कमांड कंट्रोल रूम पे अगर वो देखते भी हैं कि कोई वारदात होते हुए तो जब तक वहाँ पे पुलिस पहुँचती है तो मुलजिमान फरार हो चुके होते हैं, और कैमरों की ख़ास तौर पर जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनके पिक्सल इतने ख़राब हैं जो शहर भर में इस वक्त लगे हुए हैं, अगर वो दिखाई भी दे देते हैं तो फिर आप पकड़ नहीं सकते। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि क्विक रिस्पॉन्स किया जाए, फौरी तौर पर अगर दहशतगर्द आपको दिखाई भी देते हैं तो फौरी तौर पर वहाँ पहुँचा जाए, क्रैक डाउन किया जाए, शहर के अमन को बर्बाद करने की इजाज़त बहरहाल किसी को न दी जाए। अहमर रहमान बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप साथ अभी वक्त हो गया है ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो डोनाल्ड ट्रंप का जनाब दिमाग हुआ है दुरुस्त, महसूस हुआ है उनको कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर चुका है या पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा अहमियत है। इसके अलावा हैकर्स ने बड़ा परेशान किया हुआ है लोगों को, वापस आते हैं तो हल ज़रा तलाश करते हैं कि कैसे हैकर से बच सकते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। जदीद दौर में कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने वालों को ज़्यादा होशियार होना पड़ेगा, क्योंकि अब सिर्फ स्मार्टफोन ही चोरी नहीं हो रहे हैं बल्कि फ़ोन में मौजूद हसास डाटा भी आसानी से उड़ाया जा रहा है। आम शहरी तो क्या, कॉर्पोरेट सेक्टर भी इससे महफूज नहीं है। सार्फिन के बैंक अकाउंट्स का डाटा हैक करने के लिए भारत समेत कई गैर मुल्की हैकर्स मैदान में हैं। आपके मोबाइल फ़ोन पर आने वाला एक SMS या बज़ाहिर किसी वेबसाइट का कोई भी लिंक, ये हैकर्स की चाल हो सकता है। इधर लिंक आया, इधर आपने इस पर क्लिक किया और आपको मालूम भी नहीं होता कि आपका मोबाइल फ़ोन हैकर्स की पहुंच में पहुंच चुका है। पाकिस्तान में हैकर्स के एक के बाद एक हमले ने मोबाइल फ़ोन और बैंक अकाउंट्स के सार्फीन को परेशान किया हुआ है, शदीद तश्वीश में मुब्तला किया हुआ है। हम आपको खबरदार कर रहे हैं कि
बेशक महंगे मोबाइल फ़ोन भी खरीदिए, जदीद से जदीद कंप्यूटर भी ज़रूर ले, लेकिन सॉफ्टवेयर और मुख्तलिफ़ ऐप्स जो डाउनलोड करते हैं उस दौरान भी ज़रा एहतियात किया करें, खूब एहतियात किया करें। हम में से कई लोगों को ये तक पता नहीं होगा कि डिवाइस से चोरी होने वाला जो डाटा है वो डार्क वेब का हिस्सा भी बन जाता है, जबकि बैंक अकाउंट्स जो आपके हैक हो रहे हैं इस सूरत में बैंक अकाउंट्स भी खाली हो जाते हैं, जमा पूंजी से भी आपको हाथ धोना पड़ जाता है। इस इशू पर बात करने के लिए साथ मौजूद हैं अमर जाफ जो कि साइबर क्राइम एक्सपर्ट हैं। आपको मैं खुशामदीद कहती हूं। सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट बात सर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूं कि ऑनलाइन ख़रीदो फरोख्त का रुझान बहुत ज़्यादा हो गया है, ज़िंदगी बड़ी आसान लगने लगी है, आपके मोबाइल फ़ोन पर आपने देखा, पसंद किया, अपना कार्ड नंबर दिया एंड देन तलब कर ली, चीज़ मंगवा ली। हैकिंग की वजह से ये जो आपको ऑनलाइन सस्ता सामान मिल रहा होता है ये बहुत महंगा हो जाता है, हल क्या निकाला जा सकता है अमर साहब इसका? देखिए बात यह है कि यू कांट स्टॉप टाइम एंड टेक्नोलॉजी। इस वक्त जितनी भी दुनिया में ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह हो रही हैं ये सब टेक्नोलॉजी बेस्ड हैं, ये तमाम जी। अच्छा अगर हम इसको रोकेंगे तो इसका नुकसान हमें होगा कि शोर को नहीं होगा, ठीक है, इसलिए करना तो है हमने ये काम, पक्की बात है। कि अब सिर्फ हमने तीन चीजें करनी है। नंबर एक तो अवेयरनेस क्रिएट करनी है अपनी क्लाइंट के लिए, जो बहुत जरूरी है इस वक्त, ना वो नहीं है इस वक्त, ना वो उसके लिए मीडिया बड़ा इंपॉर्टेंट वादा कर सकता है। दूसरी बात यह है कि जो सिक्योरिटी कोड है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर समझाने के लिए बताऊं लोगों को, एक होता है HTTP, एक होता है HTTPS, ये बात बहुत जरूरी है समझनी। ये एस को लेकर चलें क्योंकि वो उसके पीछे वीडियो साइंस वगैरह की कोई सर्टिफिकेशन होती हैं कि जी ये सिक्योर साइट है, इसके ऊपर आप अपनी मालूमात दे सकते हैं। नंबर तीन मैं जरूर बताना चाहूंगा आपके लोगों को कि जब भी आप ऑनलाइन अपना क्रेडिट कार्ड नंबर दें तो कभी जो आपने तरीका ही कार बताया ना कि कैसे लोगों को पता चल सकता है कि ये वेबसाइट सिक्योर है या नहीं है, प्लीज एक बार उसे जरा डिटेल में बताइएगा ताकि आवाम तक पहुंच सके, ताकि वो अपने डाटा को महफूज कर सके। सर जी बिल्कुल, देखिए आमतौर पर होता है ऊपर लिखा होता है HTTP हाइपर टेक्स्ट टर्मिनल प्रोटोकॉल, लेकिन जितनी सिक्योर साइट्स हैं उनके ऊपर लिखा होता है HTTPS। ये फर्क बहुत जरूरी है क्योंकि ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस के मुताबिक HTTPS हो ही नहीं सकता अगर आपकी साइट सिक्योर नहीं है, और HTTPS लेने के लिए आपको वेरियस साइंस जैसा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनसे अपनी साइट को पेनिट्रेशन टेस्ट के वगैरह कराकर सिक्योर डिक्लेयर करना पड़ता है, पहली बात ये होगी। दूसरी बात मैं आपके सार्फिन को बताना चाहूंगा कि वो कभी भी किसी पब्लिक वाईफाई से अपना मत दे पाए जो क्रेडिट कार्ड नंबर वगैरह है, ये बहुत जरूरी बात है, हमेशा अपने किसी घर या दफ्तर के उससे दें, क्योंकि पब्लिक के ऊपर बेशुमार हैकर बैठे होते हैं जो स्निफिंग कर रहे होते हैं। आप अपना जब भी पासवर्ड देंगे या क्रेडिट कार्ड का नंबर देंगे तो वो उसको उसके डिलीमिटर्स होते हैं स्टार्ट और स्टॉप, उस पर उन्होंने कैश लगाया होता है, उसके उसको कैप्चर कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है अमर साहब, यानी वो जो फ्री का वाईफाई पासवर्ड इस्तेमाल करने की बड़ी हमें आदत पड़ चुकी है उससे इज्तनाब बरतना पड़ेगा ताकि हम बच सकें अपने अकाउंट को खाली करने के लिए। कोई चीज दुनिया फ्री नहीं होती, बड़ी जरूरी बात है। ठीक है सर, ठीक है। और HTTP अगर किसी साइट के ऊपर HTTPS है तो वो समझ लीजिए कि ये सिक्योर है और फिर आपको आप इस साइट को इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया अमर जाफरी साहब आपका प्रोग्राम देने के लिए। अगले टॉपिक की जानिब बढ़ूंगी जनाब। पाकिस्तान में डॉलर की कदर कम हो या फिर ज़्यादा हो, लेकिन ये तय है कि अमेरिका की नज़र में पाकिस्तान की कदर व कीमत इसी तरह से कभी कम हो ही नहीं सकती। अफगान अमन अमल का मामला पाक अमेरिका ताल्लुकात को कभी सर्द पड़ने नहीं दे सकता। सर्द मौसम में दो तरफा तल्ख ताल्लुकात अब इसमें गर्म जोशी के थोड़े से इम्कान पैदा हो चले हैं। अमरीकी नुमाइंदे खसूसी बराए अफगानिस्तान ज़ल्मे खलीलज़ाद इस्लामाबाद में है। ज़ल्मे खलीलज़ाद का गुज़िश्ता दो माह के दौरान पाकिस्तान का एक दूसरा दौरा है। बात अमन की हो रही है तो अभी कल ही वज़ीर आज़म ने मकामी सहाफ़ियों से मुलाकात के दौरान अमरीकी सदर के खत का तस्करा किया था। क्या कहा था वज़ीर आज़म ने, सुनिए। मुझे बल्कि अभी लेटर भी आया प्रेसिडेंट ट्रंप से कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान अपना पार्ट प्ले करे तालिबान को टॉक्स के ऊपर लाने के लिए और इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करे। ये अभी आज ही आया जी। हम तो हमारी बड़ी प्राइम पोजिशन है इसके अंदर, हम बिल्कुल कोशिश करेंगे। ये हमारा ये रोल होना, मैं बड़ी देर से जब मुझे तालिबान खान कहते थे मैं यही कहता था कि जंग से ये मसला नहीं हल होना। आज शुक्र है सारी दुनिया यही कह रही है कि पाकिस्तान उनको इकट्ठा करे बजाय जो शुरू में कि जी डूमोर करो और तबाही मचाओ अपनी भी मुल्क की। हम क्यों ना एक अपना पार्ट प्ले करके, और हम कर सकते हैं, हम उनको इकट्ठा करें। इमरान खान की गुफ्तगू आपने सुनी है। अफगान तालिबान से मुजाकरात के लिए अमरीका को फिर पाकिस्तान की जरूरत पड़ गई है।
तावुन के लिए खत तो दो रोज पहले मिला है, लेकिन ज्यादा पुरानी बात नहीं है, दो हफ्ते पहले की तो बात है। एक इंटरव्यू में अमरीकी सदर ने कहा था कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने अमरीका के लिए कुछ नहीं किया। सिर्फ यही नहीं बल्कि ट्रंप साहब ने अपनी इंतजामिया के इस फैसले का भी दिफा किया, जिसके तहत अमरीका ने पाकिस्तान की इमदाद को बंद कर दिया था। आखिरकार अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए सारे जतन करने और नाकामी का मुंह देखने के बाद अमरीका को पाकिस्तान की अहमियत का एहसास हो गया। अमरीकी सदर के खत के बाद अब नुमाइंदा खसूसी ज़ल्मे खलीलज़ाद पाकिस्तान आए हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की है, जिसमें दोनों मुल्कों के तआवुन के तरीक़ाकार पर गौर किया गया। वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि अफगानिस्तान में क़याम अमन और मफाहमती अमल के लिए पाकिस्तान मुखलिसाना तआवुन करेगा। अमरीकी नुमाइंदे खसूसी के दौरे पर पाकिस्तान के दौरे पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर तर्जिया कला यूसुफ जई साहब मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपको खुश आमदीद कहूँगी। कतर में जो मुजाकरात हो रहे थे सर, उसमें कोई पेशरफ नहीं हुई है कि फिर अमरीका को लगा कि पाकिस्तान ही वाहिद हल है इस अमन अमल के लिए? देखें, जो कतर में मुजाकरात के तीन दौर हुए हैं वो तो इब्तदाई बातचीत है। इसके बारे में कहा गया है कि टॉक्स अबाउट टॉक्स, यानी मुजाकरात तो सही मानों में अभी नहीं हुए। ये आखिरी बार जब ज़ल्मे खलीलज़ाद कतर गए थे तो वहाँ पे तीन दिन मुजाकरात हुए, उससे पहले जो थे इतने लंबे मुजाकरात नहीं हुए थे। तो मेरे ख्याल में कुछ लग ये रहा है कि काफ़ी जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर बातचीत चल रही है। अभी जो ज़ल्मे खलीलज़ाद आठ मुल्कों के दौरे पे आए हैं, पाकिस्तान में भी हैं, रूस भी जाएंगे, उसके बाद वो कतर भी जाएंगे, तो मुमकिन है कि एक और मुलाकात तालिबान के साथ हो जाए। तो इसमें अब ये है कि अमरीका ने कहा है कि पहले तालिबान जंग बंदी का ऐलान करें। तालिबान ये बात नहीं मान रहे क्योंकि उनके पास तो फौजी ताकत है। सर, अफगानिस्तान की तरफ से तो सर वक्त तैयार किया जा चुका है, लेकिन तालिबान की जानिब से ऐसा लगता नहीं है कि ये वो मुलाकात का हिस्सा बनेंगे या मुजाकरात का हिस्सा बनेंगे। आपको लगता है कुछ कुछ पेशरफ्त हो सकती है, इसमें मुजाकरात हो सकते हैं? देखें, वो जो अफगानिस्तान की हुकूमत ने 12 रुकनी एक डेलीगेशन बनाया है तालिबान से बातचीत के लिए, वो तो बात की बात है। वो तालिबान तो मान नहीं रहे कि वो अफगान हुकूमत से बात करेंगे, वो तो अमेरिका से बात करना चाह रहे थे और कर रहे हैं जी। तो ये तो फिलहाल कोई इम्कान नहीं है कि तालिबान जो हैं वो अफगान हुकूमत से बात करेंगे। उनका ये मुतालबा है कि गैर मुल्की फ़ौज पहले निकल जाए, और गैर मुल्की फ़ौज के निकलने का फ़ैसला अमेरिका कर सकता है, अफगानिस्तान की हुकूमत नहीं कर सकती। तो ये तालिबान का मौक़िफ़ है, इसको लेकर वो बातचीत कर रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है अमेरिका की ख्वाहिश है कि जंगबंदी हो जाए, तालिबान अफगान हुकूमत से मुज़ाकरात करें। इसमें उनका ख्याल ये है कि पाकिस्तान का एक अहम किरदार है जी। पाकिस्तान तालिबान से कह सकता है और उनको अफगान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर ला सकता है। तो पाकिस्तान से जो तआवुन की बात की जा रही है कि आप तआवुन करें, तो वो ये मुतालबा है। और फिर अमेरिका का अगला मुतालबा ये है कि जो तालिबान मुज़ाकरात के लिए तैयार ना हो तो पाकिस्तान उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। ये दो बड़े अहम मुतालबात हैं अमेरिका के। पाकिस्तान ने देखना है कि पाकिस्तान कहाँ तक अमेरिका से तआवुन कर सकता है, क्या तालिबान को पाकिस्तान मजबूर कर सकता है या उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। मेरे ख्याल में अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ। रहीमुल्लाह साहब, जो आप बात कर रहे हैं, सर जो आप बात कर रहे हैं, इससे पहले आज से दो हफ्ते पहले अगर ट्रंप साहब की बात सुनी जाए तो वो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं, और पाकिस्तान क्या कुछ कर चुका है ये किसी से ढका छुपा नहीं है। लेकिन कभी इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, फिर अचानक एहसास होता है पाकिस्तान की अहमियत को तस्लीम किया जाता है, तआवुन की बात की जाती है। ये जो तजाद आता है दोनों मुल्कों के दरमियान, क्या आपको लगता है कि ममालिक को कभी ये दोनों ममालिक को एक पेज पर ला सकते हैं? देखें, जो इल्ज़ामात लगाए गए थे पिछले साल अगस्त में जब ट्रंप ने नई पॉलिसी का ऐलान किया था, फिर जो उन्होंने 1 जनवरी को इस साल ट्वीट किया था, और फिर जो आपने कहा दो हफ्ते पहले जो इल्ज़ामात लगाए थे, उनको देखते हुए तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को पहली बात ये करनी चाहिए कि आप पहले इल्ज़ामात को वापस लें जी, तो फिर आपसे हम तआवुन की बात कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं हुआ। देखिए, अमेरिका में ये सोच है कि पाकिस्तान को दबाएंगे, सजा देंगे तो वो तआवुन करेगा जी। अब मेरे ख्याल में उनको शायद मालूम हो गया है कि ऐसा मुमकिन नहीं है,
तो फिर वो अभी पाकिस्तान क्योंकि पाकिस्तान ने अपना मौका बड़ा वाजे रखा हुआ है, बड़ा क्लियर है कि अब आपकी जानिब से डू मोर होना चाहिए, हमारी तरफ से जितना हमने करना था वो हम कर चुके हैं। इसी वजह से शायद अब अमेरिका को एहसास हो रहा है कि पाकिस्तान अपनी जगह अहमियत रखता है और पाकिस्तान के तावुन के बगैर शायद ये अमन अमल मुकम्मल नहीं हो सकता। रहीमुल्लाह यूसुफ जई साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। प्रोग्राम का वक्त भी अपने अख्तिताम को पहुँचा है, कल आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।